आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत भागदौड़ वाली है, ऐसे में इस बीमारी से कैसे बचे आए? एक्चुअली जो आपने टर्म यूज किया भागदौड़, अमूमन जब हम भागदौड़ की बात करते हैं तो इसका डायरेक्ट संबंध जो है एक्सरसाइज से है। तो आजकल हम भागदौड़ करते हैं लेकिन वो गलत किस्म की भागदौड़ है। जो रूटीन एक एक्सरसाइज रेजिमेंट है, और एक्चुअली क्योंकि आपने ये पूछा किससे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये एक उसका एलिमेंट है। तो हमारी भागदौड़ की जिंदगी में हम ये भूल चुके हैं कि भाई हमारा रहन सहन, हमारा खाना, हमारा जो नॉर्मल एक्सरसाइज रेजिमेन होना चाहिए वो सब हम भूल चुके हैं। तो हम बस एक और तरीके के दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में, जैसे मैंने आपको बोला फैटी लिवर डिजीज होता है, उस स्टेज में अगर आपने हमने हमारे खाने का, लाइफस्टाइल का, एक्सरसाइज का, इन चीजों का अगर ध्यान रखा, तो दवाइयों को कंप्लीटली परे छोड़ दीजिए, दवाइयों का शायद रोल भी नहीं होता है फैटी लिवर डिजीज में। अगर हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको हम मॉड्यूलेट करें, जैसे कि हर दिन सुबह 2 किलोमीटर हम ब्रिस्क वॉकिंग करें, सुबह शाम को 2-2 किलोमीटर ब्रिस्क वॉकिंग करें ताकि वी बर्न आउट एडिक्वेट नंबर ऑफ कैलोरीज। सेकेंडली जो खाना है, जैसे कि फास्ट फूड्स हैं, ज्यादा तला हुआ खाना, ज्यादा स्पाइसी खाना, रेड मीट, ये चीजें अगर हम अवॉइड करें तो हम अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। सो एक्चुअली हर पेशेंट को मैं बोलता हूं जब ये इस स्टेज पे हमारे पास आते हैं फैटी लिवर डिजीज या इवन अर्ली फाइब्रोसिस में, कि अगर हमने हमारा रहन सहन और हमारी लाइफस्टाइल को मॉड्यूलेट कर दिया विथ डाइट, विथ एक्सरसाइज, विथ प्रॉपर केयर, तो हम इसको आगे प्रोग्रेस होने में और ट्रांसप्लांट की नौबत आने के लिए इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं काफी हद तक। डॉक्टर, इंदौर में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि इंदौर में स्पेशल ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर बनना चाहिए? इंदौर को पहले तो मुझे लगता है कि मुझे ये बहुत जरूरी है कि मैं इस सिटी को कॉम्प्लीमेंट करूं कि ये एक इंडिया का सेंटर, सेंट्रल हब हो गया है फॉर ऑर्गन डोनेशन। बहुत हमने देखा कि आई थिंक लास्ट ईयर ऑलमोस्ट अबाउट 13-14 डोनेशंस हैपेंड इन द ईयर 2015, और वो एक शुरुआत थी 2015 में जब हमने भी यहाँ आके ऑर्गन रिट्रीव करके जाके दिल्ली में ट्रांसप्लांट किए। हमारा फेलिसिटेशन भी हुआ था उस टाइम पे, इंदौर सोसाइटी फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ने एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए पूरे इंदौर के शासन को, और जैसे उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है, लोगों में एजुकेशन लाया है फॉर ऑर्गन डोनेशन, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इंडिया में कि इंदौर इसमें लीड ले रहा है। जहाँ तक आपकी बात हो कि भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए सेंटर होना चाहिए, तो ये एक सच्चाई है आज कि जितने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं इंडिया में वो सारे मोर देन 90% कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। इवन एम्स जैसी जगह पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके लिए जो डेडिकेशन चाहिए फॉर दैट पर्पस ओनली, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए, आपके लिए बड़ी टीम चाहिए जो इस ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल बनाने में हिस्सा दें। तो बिल्कुल आई थिंक ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी है, इंडिया गवर्नमेंट का, कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर्स बने जो डेडिकेटेड हो सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट भी हो, किडनी भी हो, हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो, पैंक्रियाज भी हो। ऐसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और ऐसे अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर्स बनते हैं, तो जो ऑलमोस्ट 70% ऐसे इंडिया में लोग हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है लेकिन ट्रांसप्लांट उनके हो नहीं पाते हैं, जो हम ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं आज इतने सारे ट्रांसप्लांट सेंटर्स होने के बावजूद, वो इट रिप्रेजेंट्स ओनली अबाउट 30-40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तो बिल्कुल अगर ये इनिशिएटिव लिया जाए कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर बने इंदौर में, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। क्या मेदांता मेडिसिटी की कोई ऐसी योजना है? मेदांता मेडिसिटी में हम गुड़गांव में, मेदांता मेडिसिटी में अब हम 7 साल हो गए हैं। हम वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर हैं। हमने आज तक 2500 ट्रांसप्लांट के करीब किए हैं और 300 के करीब 250-300 ट्रांसप्लांट्स, 250 से 300 ट्रांसप्लांट हर साल के हम करते हैं। लेकिन आपको
ये सुन के काफी अचंबा होगा कि जब हम 250 से 300 लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, एट द सेम टाइम कैडेवर जो हम कर पाते हैं वो 30 या 40 कर पाते हैं। तो इसलिए ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस जो है, जैसे इंदौर में फैला हुआ है, पूरी इंडिया में फैलना बहुत जरूरी है। तो इस सेंटर में जहां इतनी एक्सपर्टीज और 95% हमारा सक्सेस रेट है ट्रांसप्लांट के बाद, अभी जो हमने 2500 ट्रांसप्लांट किए हैं उसके बाद, तो अब हम इंदौर में भी, हमारा जो सेंटर है मेदांता इंदौर है, उसमें जो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी उसको बढ़ा के अब हमारी कोशिश है कि हम नेक्स्ट 2-3 महीने में लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, कैडेवर तो हम कर ही रहे हैं इंदौर में, हम ऑलरेडी 2 कैडेवर कर चुके हैं। कैडेवर ट्रांसप्लांट जो होते हैं, जो डिजीज डोनर, इसका मतलब कि जिसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो रही है, जिसका ब्रेन डेथ हो गया हो, जिसमें इंदौर ने बहुत अच्छा लीड लिया हुआ है, तो 2 ट्रांसप्लांट कैडेवर के हम मेदांता इंदौर में कर चुके हैं, लेकिन लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट भी हम मेदांता इंदौर में नेक्स्ट 1-2 या 3 महीने में शुरू करेंगे। मैं दुनिया से बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी।